स्वागत है दोस्तों आपका मेरा YouTube चैनल एडुटेक में। आज हम बात करने वाले 21 अक्टूबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में आए प्रश्न की। यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन जो वो है हमारे जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स, और इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आया है गवर्नर ऑफ गुजरात के बारे में पूछा गया, जो कि ओम प्रकाश पाटिल जी हैं। आपको सारे स्टेट्स के गवर्नर याद कर लेने, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम पूछा गया, जो कि ललथन वाला जी है। सीएम भी जो है बहुत बार पूछा गया अभी तक। गवर्नर ऑफ पंजाब के बारे में पूछा गया, जो कि वीपी सिंह बडनोरे जी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नर ऑफ गुजरात और गवर्नर ऑफ पंजाब, ये क्वेश्चन एक ही दिन में दो जगह के गवर्नर पूछ दिए गए हैं। इसके बाद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूछा गया है, इंडिया के गृह मंत्री कौन है, तो वो अभी राजनाथ सिंह हैं। अभी हाल ही में कृषि सिंचाई योजना पास हुई थी, जिसके बजट के बारे में पूछा गया, उसके लिए कितना बजट पास हुआ था, तो वो आपको एक बार गूगल करके देख लेना। इसके बाद बांग्लादेश के पीएम के बारे में पूछा गया, जो कि शेख हसीना जी हैं। इधर काफ़ी चर्चित रही हैं, इसलिए इसके बारे में पूछा गया है। योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका असल नाम पूछा गया, जो कि अजय, जिसका असल नाम है उनका अजय सिंह बिष्ट। उसके बाद एक सी के बारे में पूछा गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को सेपरेट करती है, मतलब ऐसे नदी जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को सेपरेट करती है, तो वो तस्मान सी है। इसके बाद बाईफोकल लेंस को किसने डिस्कवर किया था, तो वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ये आप सभी को पता होगा, ये आज पूछा गया है। उसके बाद फाउंडर ऑफ सन टीवी के बारे में पूछा गया, कालीनाथ मरन जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आगे की शिफ्ट में भी रिपीट करें। बिगेस्ट रिवर ऑफ साउथ अफ्रीका पूछा गया, तो ऑरेंज रिवर, ये आपको ध्यान रखना, तो आपको ये बिगेस्ट स्मॉलेस्ट ये सब देख के जाना है एग्जाम देने से पहले। राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछा गया, ये भी आपको एक बार देख लेना है गूगल पे। ट्विटर के सीईओ के बारे में पूछा गया, तो सीईओ से भी रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। इससे पहले जो है सौमी कंपनी का सीईओ के बारे में पूछा गया था, तो वो उनको भी आपको ध्यान रखना है, ये जो अभी ट्विटर के सीईओ जो हैं जैक डॉट से हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा के बारे में पूछा गया, गोवा के सीएम जो वो कौन है, मनोहर पर्रिकर हैं। ऐसे प्लेनेट के बारे में पूछा गया जिसका कि कलर लाल होता है, तो वो आप सभी को पता है मंगल ग्रह मार्स जो है उसका कलर लाल होता है। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएसए पूछा गया है, तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएसए जो वो माइक पोम्पेओ हैं, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब विदेश मंत्री जो है यूएसए के वो माइक पोम्पेओ हैं। साउथ कोरिया की राजधानी पूछी गई, सियोल सियोल, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले साउथ कोरिया की राजधानी जो सियोल है, इससे पहले जो है नॉर्थ कोरिया की राजधानी पूछी गई थी, तो प्योंगयांग शहर थी, ये आपको पता होगा। उसके बाद स्विट्जरलैंड के करेंसी के बारे में पूछा गया, जो कि स्विस फ्रैंक है। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे क्वेश्चंस की थोड़ी सी जो है मात्रा आपके लिए थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे सोर्सेस से यह क्वेश्चन इकट्ठा किया, तो हो सकता है कि इसमें बहुत सारे जोन के हो, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो नहीं भी आए हो तो मैंने डाल दिए हैं, ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे, आप सारे प्रश्न के बारे में जान सकें, इसलिए ये वीडियो आपको पूरा ध्यान से देखना है। इसके बाद इंडियन रेलवेज स्टैंड्स ऑन विच पोजिशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइड के टर्म्स में, इंडियन रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है, यह पूछा गया, यह आपको देख लेना एक बार गूगल करके। अफीम वार चाइना और किस देश के बीच हुआ था, तो चाइना और ब्रिटेन के बीच जो अफीम वार हुआ था। हु इज 5-time गोल्ड मेडलिस्ट इन बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में जो 5 times गोल्ड मेडलिस्ट कौन है, यह भी आपको एक बार देख लेना है। मेरे पास वक्त नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी करके पहले पोस्ट कर दूँ, ये सब आप गूगल पे देख सकते हैं सर्च करके। What is the cap of Good Hope situated? Sorry, where is the cap of Good Hope situated? तो Good Hope cap का cap जो वो कहाँ पे situated है, South Africa में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो BJP won how many seats in at the election held in Gujarat? गुजरात में जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे उसमें BJP ने कितना सीट जीता है, ये भी आज पूछा गया है, तो वो 115 सीट है। UAE की कैपिटल के बारे में पूछा गया, तो वो अबू धाबी है, आपको ध्यान रखना है। ये आपको एक सऊदी अरेबिया का भी ध्यान रखना है, सऊदी अरेबिया का कैपिटल जो वो रियाद है और वहाँ की करेंसी रियाल है। स्मृति मंधाना के बारे में पूछा गया, स्मृति मंधाना जो है किससे, गेम से रिलेटेड है,
तो आपको पता है कि वो क्रिकेट खेलती हैं, वुमेन्स क्रिकेट। इसी तरह से जो है इससे पहले शिफ्ट में भी देखा गया है कि क्रिकेट से क्वेश्चन आ रहे हैं। युजवेंद्र चहल के बारे में पूछा गया था कि वो किस गेम से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्रिकेट से भी कुछ देख लेना है थोड़ा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका पूछा गया, तो वो रनिल विक्रमसिंघे हैं। यूएस ओपन जो है 2018 किसने जीता था, नोवाक डीजोकोविक करके कुछ हैं, तो उन्होंने जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। स्मृति ईरानी जो है किस मिनिस्ट्री की हेड हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री उनके पास है। उसके बाद 200 RS नोट के पीछे क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि सांची स्तूप 200 RS के नोट के पीछे होता है। वैसे तो अगर आप सारे नोट ले लें अपने साथ, अगर एग्जाम में पूछ दे तो नोट ले जाना अलाउ होता है, तो वो आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद जो है बुकर अवार्ड इंग्लिश लिटरेचर में 2017 में किसने जीता था, जी और जी सॉन्डर ने, ये पूछा गया था। एस्पिरेवा ऑयल फील्ड कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आपको वो राजस्थान में सिचुएटेड है। 2017 रैपिड चेस चैम्पियनशिप किसने जीता था, विश्वनाथन आनंद ने जीता था, ये भी ध्यान रखना है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो इंडिया का वो कौन है, नितिन गडकरी जी हैं। इंडिया आफ्टर गांधी ये बुक के राइटर कौन है, इसे किसने लिखा था, रामचंद्र गुप्ता जी ने। गवर्नर ऑफ मणिपुर के बारे में पूछा गया, नजमा हेपतुल्ला, ये आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग के हेड के बारे में पूछा गया, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग के हेड जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और अगर वाइस चेयरमैन के बारे में पूछा जाए तो उनका राजीव कुमार जी, आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार रिलेट हो चुका है। और अगर आप नीति आयोग के बारे में गूगल पे और भी ज़्यादा डिटेल्स जमा कर सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इससे पहले भी पूछा गया था कि नीति आयोग का फुल फॉर्म में IET का कुछ फुल फॉर्म पूछा गया था, तो वो आपको ध्यान रखना है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया करके कुछ इसका फुल फॉर्म है, वो आपको देख लेना है गूगल पे। नोबेल प्राइज फिजिक्स में जो है 2017 किसने जीता था, तो आपको याद रखना है किप थ्रोन, रैनर वेसी और बैरी बैरिस। इसको याद रखने का तरीका है किप रैनर बैरी करके आप इसे याद कर लिए, आप सिंगल नाम याद करिए, दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में सिंगल नाम से ही रहेगा। मतलब यहाँ पे ये ऐसा नहीं रहेगा किप थ्रोन, किप ये किप वो, ऐसा कुछ नहीं रहता है, आपको बस किप थ्रोन रहेगा ऑप्शन में, तो आप किप रैनर बैरी करके इसे याद कर लें। इसके बाद चलते हैं हम जनरल साइंस की तरफ। जनरल साइंस से जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन आया है वो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर पूछा गया। यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट है पीरियोडिक टेबल का सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद कर लेना, क्योंकि ये हर शिफ्ट में देखा गया है कि किसी न किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पूछा जा रहा है। फ्रॉग के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ये पूछा गया, 3 चैम्बर आपको ध्यान रखना है। इसी तरह ह्यूमन बींग्स का भी जो है वो 4 चैम्बर होता है, ये ध्यान रखना है। 90 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल्स होते हैं, तो ये 5 मोल। आपको मोल निकालने के लिए अगर पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, और नहीं निकालना आता तो भी यह आसान है, आप थोड़े से देख लें इसे, तो ये आपको 9th-10th की बुक से, तो ये जो है आप निकाल सकते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में कितने एटम्स होते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो 2 एटम्स होते हैं। फोर्स का यूनिट यह तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, अभी तक न्यूटन होता है, यूनिट तो ऐसे भी आपको सारे याद कर लेने हैं। 1 न्यूमरिकल रिलेटेड टू रेसिस्टेंस, यहाँ पे आया रेसिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमरिकल है, तो आपको V=IR ये तो ध्यान में रखना ही है। व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का आइडियल रेसिस्टेंस क्या होता है, ये पूछा गया है। इसके बाद करेंट की SI यूनिट जो होती है उसके बारे में पूछा गया, तो एम्पियर होती है। व्हाट आर द सुसाइटल बैग इन द सेल्स कॉल्ड, तो ये आपको पता होगा कि लाइजोजोम्स जो होता है सुसाइटल बैग होता है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, राइबोजोम जो होती है वो सेल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, कौन सी, राइबोजोम्स ना कि लाइजोजोम्स। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, लाइजोजोम्स, सुसाइडल बैग के बारे में अगर पूछा जाए तो। टमाटो को रेड जो है लाल कलर टमाटर में वो कहाँ से आता, तो उसका आंसर हो जाएगा लाइकोपीन। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर हैं, तो 4 चैम्बर है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले जो मैंने एक ही इसी शिफ्ट में आया था फ्रॉग के हार्ट के बारे में, कहीं कहीं तो कहीं कहीं जोन में क्वेश्चन अलग होते हैं, लेकिन जो है टॉपिक एक ही होता है, तो आपको ये सारे टॉपिक देख लेने हैं। हो सकता है आगे एक शिफ्ट में कोई और जानवर का हार्ट का चैम्बर के बारे में पूछा जाए, तो आपको हार्ट चैम्बर याद कर लेना है। कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, तो आपको ध्यान रखना है 38 एलिमेंट हैं।
या जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन जो है वो ओड नंबर आउट फाइंड करना है इसमें। उसके बाद जो है ये एक सीरीज है, 17 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन था, अगर 10 फरवरी 2003 को मंडे था तो ये आप आसानी से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसमें 10 फरवरी 2003 से तो कोई मतलब ही नहीं है। आप आसानी से ये ट्रिक यूज करिए, 11/2m इज इक्वल टू 30h+-, और सॉरी ये तो क्लॉक का है, आपको एक बार देख लेना है इसे कि किस तरह से कैलेंडर का निकाला जाता है, या मैं आगे इसका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। द कैलेंडर ऑफ 2011 विल बी रिपीट इटसेल्फ इन विच ईयर, तो 2011 की 11 की जो है कैलेंडर कब रिपीट करेगी, तो ये आपको ध्यान रखेंगे, ये आपको देख लेना एक बार कैलेंडर की रिपीटिंग कब होती है। तो कैलेंडर से रिलेटेड यहाँ पे दो क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसलिए कैलेंडर तो इंपॉर्टेंट है, उसके देख ही जाना है। मिरर इमेज से 3 क्वेश्चन है, सैलो सिलोगेम से जो है 5 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से 3 से 4 क्वेश्चन हैं, ये सब टॉपिक आपको एक बार देख लेना। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से जो है 7 से 8 क्वेश्चन आए, ये तो सारे मतलब एग्जाम में आ रहा है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एज्यूम्सन, ये थोड़ा सा मतलब ये अजीब टाइप का टॉपिक है, इसमें आपको आंसर जो लगेगा वो अक्सर होता नहीं है, तो इससे जो है आपको अच्छे से एकदम बारीकी से बनाना है। उसके बाद क्लॉक से 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, काउंटिंग फिगर से 3 से 4 क्वेश्चन आए, ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स में परसेंटेज से 4 क्वेश्चन आए, टाइम एंड वर्क से दो या 3 क्वेश्चन आए, ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन, एज बेस्ड 2 क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन है। उसके बाद 721 का स्क्वायर पूछा गया, वो आपको ध्यान रखना। इसी तरह प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज जो है इतना, और उसके बाद द पॉपुलेशन के 5% पर ईयर, तो यहाँ परसेंटेज से सवाल है, तो ये आपको एक बार बना के देख लेना, इसे आप अपने कॉपी पे नोट करके बना के देख लीजिए बनता है या नहीं, अगर कुछ दिक्कत है तो आप एक बार परसेंटेज भी ध्यान से देख लें। यहाँ पे एक जो है यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है, SICI से भी आया, तो SICI आप ध्यान से देख लें। LCM पूछा गया है, LCM के 2 क्वेश्चन है, यहाँ परसेंटेज से एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे आप परसेंटेज का जो मैंने ऊपर बताया था कि इतना क्वेश्चन है उसी में से ये कुछ क्वेश्चंस हैं। प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आया है, उसके बाद टाइम एंड वर्क से आया, टाइम एंड वर्क तो आप ज़रूर देख लें क्योंकि उससे हर एक एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद आपके पास फिर एक क्वेश्चन है जो कि परसेंटेज से आए, तो ये आपको परसेंटेज तो पढ़ के ही जाना है। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर ले, वीडियो पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस आप बना के देख लें। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आए हैं, मैंने ये क्वेश्चन काफ़ी सही तरीके से लिख रखे हैं, आप एक बार जो है पूरे क्वेश्चन को हो सके तो नोट कर लीजिए, और चैप्टर भी टॉपिक सारे नोट कर लीजिए, और अगर आपका एग्ज़ाम आगे है तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए, तो आपका ज़्यादा अच्छा जाएगा एग्ज़ाम। आज के लिए बस इतना ही, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं हर रोज़ यहाँ पर आपके लिए एनालिसिस लेके आऊँगा, और ग्रुप डी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगा, और ALP के बारे में भी मैंने सोचा है, तो मैंने ALP का भी एक क्लास करवाया, आपको वो भी देखना है। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।